Ama उधर रुकेंगे कौन सी नहीं ऊपर ही ना वो आई आई से रुकेंगे कल के रात अस्सलामुअलैकुम जी। अभी हम जागरा में हैं और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बबून टॉप का है। कल निकले थे लिपा वैली से और रात काफ़ी लेट 12 बजे हम पहुंचे थे यहाँ पे। इस होटल में हम रात को ठहरे हैं और यहाँ से हम अपनी बाइकें हमने रेडी कर ली हैं। रिजवान साहब भी कर रहे हैं बाइकें रेडी। रिजवान साहब हो गया रेडी जी? मैं रेडी हूं सर। जी वो रेडी हो गए हैं और मेरी बाइक भी रेडी है। अब निकलने लगे हैं जी, काफ़ी टफ है जी। इंशाल्लाह ताला हम ऊपर बबून टॉप पे अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। रास्ते आपको रास्ते में जो व्यूज़ हैं फिर हमको वक्रे वक्रे से हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे हमने सोचा है कि नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। इसके बाद हम रात को खाना खाएँगे बबून टॉप पर जाके। ये पुराना एक होटल है, ये आपका व्यू देख सकते हैं, ऊपर देखिए जी। अब नाश्ता करके हम निकलने लगे हैं बबून टॉप की तरफ। ये है तो काफ़ी मुश्किल लेकिन देखते हैं जनाब। ये जागरा बाज़ार है, बाज़ार से हम अभी बबून टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से पूछा रास्ते के बारे में तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आप चले जाएंगे। अब देखते हैं जी कितना मुश्किल है। ये नीचे डैम की तरह का कुछ बनाया हुआ है। जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक ले जाए इसके बाद मेरे ख्याल में एकदम से ऑफ रोड शुरू होना है। आगे हम देखेंगे कोई जीप वाला अगर कोई जा रहा हो बबून बबून जा रही है। काफ़ी मुश्किल है जगह। अच्छा साहब यहाँ से पानी है, आगे से जाएंगे हम। उतरो उतर अंदर भाई, एक बात है इससे बात कर लें। ठीक, सोच रहे हैं कि जो अपना सामान है वो जीप के ऊपर रख देते हैं और वहाँ से जाकर उनके पास से ले लेंगे। ये रास्ता है आप देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से आगे ऑफ रोड शुरू है, वो ऊपर पंच चक्की लगी हुई है आटा पीसने वाली।
कितना का दिया? फर्स्ट टाइम है ना, किधर उड़ाई है? ऊपर आगे के पीछे? जोर लगाया ज्यादा, फंस गया था, क्लच पकड़ पकड़ के जो रुक जाना था, ठंडी कर लेनी थी मोटरसाइकिल। तो अब जीप पे ले जाए, जीप पे ले जाए, नुकसान किया आपने बहुत ज्यादा। है टफ है, सारा टफ है, बहुत टफ है। चलिए अल्लाह का नाम लेके जाते हैं जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली साहब रास्ता दे दें। असल में मसला यह कि नीचे पत्थर हैं, जो पत्थर पैर से नीचे से स्लिप हो जाते हैं, फिर आपकी गाड़ी वो जोर नहीं लगा सकती तो खड़ी हो जाती है वहाँ पे। ये पहला अभी ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ पे खड़े हो गए। रिजवान साहब आ रहे हैं पीछे। हाँ जी, वेरी टफ है, अभी शुरुआत है। गाड़ी पूरी पूरी चल रही है। असल में भगवान वाला जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, यहाँ पर रास्ता तो है नहीं, जो रास्ता हो ये मुश्किल था। कैसे वो हम निकले, ये जी एक छोटा सा गांव है रास्ते में, आगरा से थोड़ा सा आगे आएंगे और नाला क्रॉस किया है उसके पास, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं थोड़े से घर हैं। अभी ये व्हाट्सअप फिर उतरेंगे नीचे, फिर मैं लेके जाऊंगा आगे। ये देखते हैं आप कितना खूबसूरत जगह है यार, ये वाली व्हाट्सअप खूबसूरती तो है ना। बुजुर्ग आ रहे हैं आगे से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे जी व्हाट्सअप उतर गए नीचे पीछे में, अब जा रही है बाइक। लेकिन रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह है, ये सारा ऑफ रोड है, बहुत टफ है। और कोशिश करें कि गाड़ी के साथ ज्यादती ना हो, ये लड़का है कि वो जरा यहाँ पे वो क्लच प्लेट उड़ा के शायद उसने एक्सरे कुछ और लगा दिया। यहाँ पे खड़ी हुई है, आप उसको खड़ी कर दो, क्लच के साथ उसने जोर लगाया उसका, क्लच जोड़ा फार कर दिया। ये जी गाँव, ये जी आपको अभी गाँव का मंजर दिखाते हैं। ये है बबून का ओरिजिनल, ओरिजिनल कश्मीर। सफर का मजा आ रहा है, जो भी खूब एंजॉय कर रहे हैं जनाब, खूब जो भी है सफर का मजा आ रहा है। ये जनाब बिल्कुल सीधी चढ़ाई है,
जो कि मेरे हाल में वाकई ही में मुश्किल है। गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर लो, फिर आगे निकल जाएंगे। अली भाई वो रिजवान साहब को धक्का लगा के वो आगे निकाल के आ गए हैं, वो आगे निकल गए रिजवान साहब, वो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और रुक गए। ला ला धक्का ला ला धक्का लाई जा, रुकी ना क्योंकि वट्टे स्लिप होंगे थे। ये मुश्किल है, बस ये पता क्यों, ये मुश्किल क्यों है, गाड़ी नीचे बैठ नहीं रही, नीचे बुरबुरी मिट्टी है, वो नीचे से निकल जाती है, गाड़ी आगे जा नहीं रही। अब ये थोड़ा सा रह गया, ये वाली चढ़ाइए थोड़ी, ये क्रॉस करो निकल जाएगी। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में उस लड़के ने जो क्लच प्लेटें उड़ाई है ना, यहाँ पे उड़ाई हैं उसने, हैं ऐसे ही है ना। चलो चलो चलो, अल्लाह का नाम लेके चलो, इंशाल्लाह चढ़ जाएगी। आवा साहब, मेरी बात सुने, धक्का लगाने के बगैर ऊपर नहीं जाने, क्योंकि वो भी धक्का लगा के गई है, ठीक है। अब धक्का लगा के जाएंगे ऊपर, क्योंकि उसने खड़ी नहीं करनी, क्योंकि आगे जगह नहीं सही होगी उसकी। अली हाँ चल, आई आई थोड़ा रह के बस आया, थोड़ा सा ही उधरों आया ना तो फिर मुश्किल हो जाता, ये सीधा निकलते हैं। बारिश का भी मौसम है, प्रॉब्लम नहीं 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 कोई इशू नहीं आया, तुम रात गुजार नहीं आयो, पिछो पागल है वापस आना, हूँ नहीं आप वापस नहीं आना। चलो चलो जी, चलो जी, एक जना लांदे पियो मैं पड़ के कोड़ दूं कोड़ी नहीं चार्ज। ट्रेन ठहर जाना, पत्थर है ना अगे उसने पुण्य नहीं निकल ला ला छोड़ दे। ये सबसे जो मुश्किल जगह बाबून की वो ये वाला पैच है, जो सिंगल पे भी आप नहीं आ सकते, वाकई में मुश्किल है। लेकिन जो ऊपर मंदिर देखे हैं, वाह या अल्लाह तेरा शुक्र, ये देखें आप फूल बबून पे, ये सात जंगल है,
चढ़ाई है। अली सब सबसे मुश्किल जो चढ़ाया के ना पैच है ना ये वाला था सबसे मुश्किल। हम एंजॉय करने आए हैं अब चले जाएंगे जी। सांस लो बाट साहब तक नहीं लाया झूठ बोल रहे थे उन्हें लाया अली ने। ओ, ओ खड़ी ना ना निकल पत्थर थले चल चली गई चली गई चली गई चला गई चला गया चला गया चला गया हो गया चला गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ओ आ रहे आ रहे और बंद कर दे जोर ना लुआई बंद कर दे जोर ना लुआई ये जी बबून टॉप का जो पहला पैच है एक टॉप है जो रास्ते से क्रॉस करके फिर आगे निकलते हैं ये वो वाला रास्ता है ये आप देख सकते हैं स्टीप है बिल्कुल ऐसे और जहाँ पे अगर खड़ी हो जाए बाइक तो फिर खड़ी हो जाती है तो ये भुरभुरी मिट्टी है नीचे ये देख सकते हैं ये इस तरह तो टायर से नीचे से निकल जाती है तो फिर बंदा बाइक रुक जाती है यहाँ पर रुक गए तो रुक गए। अभी वो अली भाई और मैं तो आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब अली भाई वो बट साहब पीछे आ रहे हैं वो धक्का लगाते हैं जान साहब को ऊपर ऊपर ले करते हैं यहाँ पे फूल पीले पीले कलर के फूल हैं सफेद भी हैं पिंक भी हैं बहुत प्यारी जगह है यार। धक्का ला हल्का जहा हल्का सा टच कर सको चल और ट्रैक के अंदर रख चल चल रजवान साहब से पता नहीं क्यों नहीं चढ़ रही जी यार
ये रजवान साहब की गाड़ी जो है ना, ये पता नहीं क्यों नहीं ऊपर आ रही। क्या वजह है, की गल है, वजन उत्ते नाल एक्स्ट्रा है? यही वजन है बस, यही वजन। चलो गड्डी जोर फाड़ती नहीं भैया, रेस ना बताई। तो कह रहे थे मेरी आखिरी ट्रैकिंग है, इसे मैं नहीं कर रहा। ट्रैक व्हाट्सएप कर रहे हैं क्यों? और मेरी पाठा भैन जी ना उतर लिया करो। अगर व्हाट्सएप थक गए जी सब, अगर व्हाट्सएप का कुछ करना पड़ेगा हमें। बार बार टापा से लेट चैन तेल दे लिए। चैन मैं कहना चैन कस लो, चैन दे ना बात का किसी को पता नहीं क्यों ये रात के तो यहां पे चैन को तेल छेल कुंडल शाही तो और बात कर। अब कैमरा सीधा है? हां कैमरा सीधा तो तेल छेल और थोड़ा सा टाइट कर ले। 2000 ओली साहब आ रहे नीचे, चलें करो। चैन चैन टाइट करके अब आगे निकलने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आएगा रिजवान लोग वो बिठा के साथ लेके जाते हैं। जी फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक जा रहे हैं माशाल्लाह जी। दोस्त आ रहे हैं, थक तो गए हैं लेकिन फिर भी हिम्मत करके आ रहे हैं जी। ये व्हाट्सएप का पहला टूर है लेकिन अब देखते हैं जी व्हाट्सएप इसको कंटिन्यू रखते हैं या स्किप कर देते हैं। ये दोनों बंदे ज़बरदस्त। व्हाट्सएप देखो नज़ारा, अमेजिंग। भट साहब कम अज कम हमारा रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। वो बबून बादलों में के अंदर बबून छुपा हुआ है, बबून को देखेंगे हम इंशाल्लाह। हल्के हल्के बादल बरस रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है हल्की 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 सी। ये मुश्किल है यार। यार जो खड्डे हैं ना ये रोक देते हैं गाड़ी को, ये इस तरह के खड्डे जो हैं। ये अब सही रास्ता, इसी तरह रास्ता ये सारा आप देख सकते हैं सामने से। ये नीचे बहुत ज़बरदस्त जगह है, कितनी है बहुत है यहाँ पे। ओ वाह, भाई जान वो वाला मंजर देखें आप, वो पीछे जागरा गांव है शायद मेरे ख्याल में यार। अमेजिंग
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वो नीचे आप देख सकते हैं, वो एक प्लेन सी जगह, वहाँ घर भी हैं साथ। ये ऊपर टॉप पे बादल हैं, ये वो आगे ग्लेशियर ऊपर पहाड़ों में पानी पिघल पिघल के आस्ता आस्ता आ रहा है। हमने उस तरफ जाना आगे, वो टॉप है आगे जाके ऊपर, यहाँ से हम आगे जाएंगे ऊपर ऊपर, वो आगे पीछे वो टॉप है। वाह अमेजिंग, माशाल्लाह खूबसूरत। वो कुछ औरतें जा रही हैं, ये लोग पैदल ही चलते हैं, पैदल ही ऊपर आते हैं और पैदल ही नीचे जाते हैं। ओ पीछे देख मंजर है, छोड़ो पीछे दे उठो है। गली आती है ना बबून गली, उसके नीचे मैदान है बबून, आप पहुंचे कोई सिर्फ डबल सवारी नहीं जा सकती, डबल नहीं जा सकती ना। क्या काश तुरक, ये वातर क्या वातर, वाह तुरक वातर, ये अफजाल तुरक, अफजाल तुरक, आप तुरक हो? आप भी तुरक हैं? आप भी तुरक हो? क्या पानी पानी भर के दे के, चलो आते हैं हम। भट साहब की लाश आपको उसने बचाया, भट साहब भाई क्या कर सकता हूँ, भट साहब थक गए, मैं उसको ऊपर लेके भी आया हूँ लेकिन भट साहब थक गए। बेटा चश्मे का पानी है ना आपके पास, वो लेके आओ भर के पिए हम। आप भी तुरक हो? तुरक हो? तुरक चश्मे का लेके, शाबाश जल्दी आना। जागरा गाँव के, उस गाँव के हो आप? नहीं ये नीचे, ये वाले शाल, शाल। अच्छा जो छः सात गाँव है, छः सात घर है, सात आठ, ये जो चढ़ाई चढ़ के नाला क्रॉस करके, वही नाले साथ जो ऊपर गाँव है वो आपका गाँव है। फिर आप जानवर लेके इधर आ जाते हैं ऊपर, वहाँ पे बड़ी खूबसूरती है लेकिन मुश्किल रास्ता है। जीपों पे आते हैं आप कि पैदल? जानवर पैदल आते हैं, जीपों पे आते हैं आप भी तुरक हो? ये सारा इधर जागरा में तुरक रहते हैं सारे? कोई 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 तुरक है, कोई कोई तुरक है। आपकी हिस्ट्री क्या पता है आपको, किधर से आए हो आप इधर कि शुरू से यहाँ रहते हो? वो रास्ता जी, वो जंगल क्रॉस, वहाँ से हम आया नीचे से जागरा से होते हुए जंगल क्रॉस करके, वो चढ़ाई है काफ़ी, ये अब यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ वहाँ से हम आए जी, ये घर है नीम के ऊपर। और सब पी लो पानी, वो ठंडा पानी, शुक्रिया अदा करो बच्चों का, शुक्रिया अदा करो ना। ये पानी लेके आए जी हमारे लिए बच्चे, ठंडा बर्फ पानी है। अली भाई एंजॉय कर रहे हैं जी? बिल्कुल, लेकिन आप पक्के ट्रैकर बन जाएंगे? मैं हूँ। वो बट थक गया? मैं हूँ, मैं भी बन सकता हूँ लेकिन वो बट थक गया। आइए मैं ट्रैकर, मैं ट्रैकर बहुत ज़्यादा पानी। लोग पढ़ते हैं, चले जाते हैं स्कूल।
4 पे माशाल्लाह। चल भाई ठहरो ठहरो चढ़ जा पिछू आया तो चढ़ जानी आओ भट साहब बट तो मर गया रे बट की ओ ओ बट की ओ ओ बट की ओ ओ तू ला ला डब्बा तेन मैं क्या ना डब्बा ला ला ऊपर ही वाला सेव बंदा हाँ ठीक है हो देखे जी कहाँ से आए जी और कहाँ जाना है वो छोटा काश तुरक मेरा दोस्त बन गया जनाब वो जी वो कह रहा जी नीचे आए और सजावल के पास ठहरे पता नहीं अब सजावल कौन है लेकिन
अगर वो सब कहे तो मैं उसके पास ठहर जाऊंगा जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन बंद पक्षा बहुत अच्छा है। हाँ जी, बाबून टॉप का जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं पीछे हमारे नज़र आ रहा है, ये काफ़ी स्टीप है और एक दो पांच छह चढ़ाइयाँ वहाँ पे हैं वो जंगल में वो वाले, और यहाँ पे ये जब ये गांव के आप पास आते हैं तो आगे ये सारी जो है ये ऊपर ये सारा रास्ता टफ है, और ये सिंगल बंदा और 150 हो तो मुश्किल से कुछ जगह धक्का लगाना पड़ेगा आपको, तो बंदा आ सकता है, लेकिन बंदा ये नहीं कि बंदा बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा। और इसमें ख़ास पे पत्थर हैं और बुरबुरी मिट्टी है, इसकी वजह से गाड़ी एक तो बंदा गिरने के चांस होते हैं, दूसरा गाड़ी ऊपर चढ़ती नहीं है। तो भी बाइक पे आए तो आप सेफ्टी गैजेट पहन कर आएँ, और अगर आप अकेले हैं तो अकेले यहाँ आने का रिक्स ना लें, आप कोशिश करें कि दो तीन बाइकर हों तो बारी बारी धक्के लगा के जहाँ से मुश्किल चढ़ती है वहाँ पे धक्का लगा लें। काफ़ी टफ है, अली किधर है? भाजी मैं आवाजा दे दे कि थक गया। अली किधर है? आवाजा दे दे कि थक गया। अली और अदर बट हमें नहीं मिल रहे, वो पैदल आ रहे हैं पता नहीं। बट वो मुकामी होनी चाहिए, वो लोग हैं ना, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार? अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऊपर है ना बाबून टॉप पे।
तो ठहर जा। ਹਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ आपकी हिम्मत है ये जनाब चढ़ाई अब काफ़ी मुश्किल आ गई है। धक्का लगा के रिजवान साहब की गाड़ी ऊपर ले गए हैं, अब मेरी बारी है। रिजवान साहब धक्का लगाएंगे, देखते हैं जी। अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। अल्लाह पाक अपने
अगर कुछ नहीं भाई, अगर पहाड़ी पहाड़। अल्लाह अकबर। किस रात रुकेंगे? उधर रुकेंगे कुर्सी नहीं ऊपर ही ना। वो आज से रुकेंगे, कल के रात कल फिर हम जाएंगे पतलियां। पतलियां? पतलियां लेक। अकेली रह गई है पीछे? अकेली रह गई, दूसरी बंदी जी मेरे नाल एक और बंदा है, उसका तांडव लगा है, वो एक दूसरी लह गई। पतलियां लेक जाना है वो भी मुश्किल। बैठ सर, बैठ थोड़ा सा, बैठ थोड़ा सा, बैठ क्यों कहते हैं। ओ यार अगे बड़ा लंबा है, तुम छड़ के तो नहीं जाना। ये अभी नाम हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वो वाला पहाड़ हमने क्रॉस करना है, उसके बाद जाके उतरा है नीचे।
खान साहब से पता नहीं क्यों नहीं चढ़ रही गाड़ी यार, समझ नहीं आ रहा। यहीं से मैं ले गया। मेरा हेलो गड्डी वाला सारा समान वापस ले के आ रहे हैं, इधर ही उतरवा लेंगे सर। यह पहाड़ क्रॉस, ये वाले चढ़ाई क्रॉस करनी है वो ऊपर से बस। जान दे पैर ना ला। यहाँ पे पहुँच कर हमारे लिए एक मोर मसला हो गया है। जिस जीप पर हमने सुबह सामान रखा था वो अब हमारा सामान लेकर अब वापस आ गया है। तो हम बबून टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन लगता है कि अब हमें अपना जो सफ़र है बबून टॉप का वो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारे पास सामान है। चलो सामान का हम दोनों कोई ना कोई हल निकाल लेंगे बाइकों वाले, लेकिन असल में मसला है कि दो बंदे हमारे जो पीछे रह गए हैं वो पैदल वाले, वो काफ़ी पीछे हैं। अब बेहतर तो ये है कि हम अपना सफ़र यहाँ पे ख़त्म करें, ये जो दो चढ़ाइयाँ हैं इसके बाद आगे जाके उतराई है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि कितना दुख होगा यहाँ से वापस जाते हुए, और वापस वैसे उतराई भी बड़ी टफ़ है और सामान भी ऊपर होगा और दूसरा बंदा भी। तो खैर चले अब अपना सफ़र जो हमारा जो बबून टॉप का सफ़र है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आइंदा जब ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह बबून टॉप को ज़रूर देखेंगे।